ये मेरी आपको ओके ग्रेट चलें लेट्स स्टार्ट आईटी को ही कंटिन्यू करते हैं. कल हमने रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को रिव्यू कर दिया था. टुडे विल बी डिस्कस द डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग. डेटा एंट्री कैसे होती है, डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चार दफ़ा आ चुका है पेपर में डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग का क्वेश्चन. अगर आप देखें इट हैज बीन अपीयर्ड लाइक फोर टाइम्स इन द पास्ट पेपर्स. और हर दफ़ा ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न शो करता है ये वाला सवाल. लुक एट इट, दिस इज द क्वेश्चन. ये मार्च 15, फिर मार्च 16, फिर मार्च 17 और फिर सितंबर 18. तो आप देखें हर साल माशाल्लाह अपीयर हो रहा है ये वाला सवाल पेपर में. नॉट इवन अ सिंगल ईयर जिसके अंदर ये वाला क्वेश्चन ना आया हो. चार दफ़ा आ चुका है ये वाला क्वेश्चन पेपर में. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है ये आपके पेपर के अंदर मल्टीपल टाइम्स अपेयर हो चुका है. इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे सबसे पहले डेटा एंट्री के ऊपर. डेटा एंट्री कैसे की जाती है, और ऑब्वियसली बात है जब डेटा प्रोसेस करना है तो पहले एंट्री इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट प्रोसेस द डेटा अनटिल यू हैव नॉट एंटर्ड इट. और डेटा जो है वो किस किस्म का होता है जो हम एंटर करते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर, लाइक सेल्स इन्फॉर्मेशन है, परचेज इन्फॉर्मेशन है, न्यू एम्प्लॉय कोई हायर किया आपने उसकी डिटेल डालनी है आपने, या आपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को अपडेट करना है. तो वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा विच वी इनपुट इन द सिस्टम. डेटा एंट्री मैनुअल भी हो सकती है और डेटा एंट्री जो है वो आपकी आईटी बेस्ड भी हो सकती है. जैसे MICR या OCR के थ्रू अगर आप डेटा एंटर कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटेड है, और इफ़ यू आर एंटरिंग द डेटा मैनुअली इन योर इन द कंप्यूटर तो ये आपकी मैनुअल है. जैसे अगर आप हाइपर स्टार या किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे जाएं तो वो बार कोड स्कैनर के थ्रू डेटा एंटर करते हैं, सो दैट इज ऑटोमेटेड एंट्री. वंस द डेटा हैज़ बीन एंटर्ड, अब उसकी प्रोसेसिंग तीन तरह से हो सकती है. द फर्स्ट टाइप इज नोन एज बैच प्रोसेसिंग. डेटा को हम बैच की शक्ल में प्रोसेस करते हैं. आप पहले सिमिलर ट्रांजेक्शन्स इकट्ठी कर लेते हैं सारी की सारी. यू हैव ऑल द ट्रांजेक्शन्स टुगेदर, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, और फिर आप सारी ट्रांजेक्शन को एक सिंगल टाइम पे एज अ बैच प्रोसेस करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सेल्स हैं, अब वो सेल्स आप रोज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, एंड यू आर कलेक्टिंग द सेल्स डेटा, एंड बाय द एंड ऑफ द डे फिर आप सारी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड इकट्ठा ही अपडेट करेंगे. ठीक है ना, ये जो प्रोसेसिंग होती है ये आपकी एसोसिएटेड होती है मेन फ्रेम सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ, सर्वर के साथ, क्योंकि इसमें हमें टर्मिनल्स नहीं चाहिए होते. वी डोंट नीड टर्मिनल्स क्योंकि हमें इसमें बैच क्रिएट करना है ना इंफॉर्मेशन अपना डेटा का, तो हमें टर्मिनल्स नहीं चाहिए. या सिर्फ अगर आपको टर्मिनल चाहिए भी तो वो डमी होते हैं जो सिर्फ डेटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. दैट्स इट. अब ये मेथड वैसे काफ़ी ऑब्सोलीट हो गया, इट हैज़ रिड्यूस्ड इन इट्स इंपॉर्टेंस, क्योंकि अब ज़्यादा एडवांस सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं. नाउ वी हैव इवन एडवांस सिस्टम्स, बट स्टिल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में अभी भी डेटा प्रोसेसिंग बैचेस की शक्ल में होती है. आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है, अच्छा एक सेकेंड दीजिएगा, जस्ट अ मोमेंट. ओके अब बेहतर है जी, इज इट बेटर? चलो ग्रेट. तो बैच प्रोसेसिंग जो होती है ये अभी भी यूज होती है, बट इन अ वेरी लिमिटेड फॉर्म इन सम ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट मच ऑर्गेनाइजेशंस. बैच प्रोसेसिंग के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने ड्रॉबैक्स भी हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस भी आता होता है और बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स भी आते होते हैं. इसका एडवांटेजेस क्या है? इजी टू डेवलप क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, आसानी से डेवलप हो जाता है. लेस प्रोसेसिंग पावर इज रिक्वायर्ड. चेक्स इन प्लेस. बैच प्रोसेसिंग में चूंकि आप डेटा दो दफ़ा हैंडल करते हैं, एक दफ़ा जब आप ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और एक दफ़ा जब आप उसे प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो बिकॉज यू आर हैंडलिंग द डेटा ट्वाइस, तो इसलिए फ़ायदा है फिर कि आपके चेक्स इन प्लेस होते हैं, आप आसानी से डेटा को
आप ऑडिट ट्रेल आसानी से जो है वो कर सकते हैं, यू कैन ट्रेल इट। ठीक है, लेस हार्डवेयर रिक्वायर्ड, इसलिए ये चीपर होता है। ड्रॉबैक्स क्या हैं? डिलेज होते हैं, डेटा आप ट्रांजेक्शन कब हो रही है और कब आप उससे मास्टर फाइल में अपडेट कर रहे हैं, इसमें गैप होता है। इस गैप की वजह से मैनेजमेंट के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। तो फॉर एग्जाम्पल 2 बजे के करीब स्टोर का जो ओनर है वो अगर डिमांड करे सेल्स ऑफिसर से कि मुझे इस वक्त बताओ इन्वेंट्री कितनी मौजूद है, तो ही वॉन्ट बी एबल टू टेल द एग्जैक्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि अभी उसने शाम को बैच को प्रोसेस करना है। सो आउट ऑफ डेट डेटा अवेलेबल होता है। और फिर जो मास्टर फाइल है वो भी हर वक्त आप इजी एक्सेस में नहीं रखते, क्योंकि ये आपके मेन सर्वर पे होती है, मेन सिस्टम पे होती है, तो इसको भी आप हर वक्त अवेलेबल नहीं रखते, इट इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल। दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स। इसके बरक्स रियल टाइम प्रोसेसिंग जो है, रियल टाइम का मतलब है कि जैसे ही ट्रांजेक्शन हुई उसी वक्त आपने डेटा को प्रोसेस कर दिया। एज सुन एज ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड यू हैव इमीजिएटली प्रोसेस्ड द डेटा। ठीक है, जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन की आपका डेटा उसी वक्त अपडेट हो गया। बेनिफिट्स क्या हैं? बेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हर वक्त रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, इंक्रीज एबिलिटी ऑफ द डेटा टू बी ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन से मुराद अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे ऑनलाइन से मुराद ये नहीं कि ऑनलाइन पढ़ा होगा, अवेलेबिलिटी से यहाँ पे मुराद है कि डेटा हर वक्त आपका अवेलेबल होगा टू बी यूज बाय द मैनेजमेंट। ड्रॉबैक क्या है? सिस्टम एक्सपेंसिव है डेवलप करना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इनको डेवलप करना एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा हार्डवेयर कैपेसिटी आपको रिक्वायर्ड होती है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे अगर आप अल्फाते की हाइपर से आर की एग्जाम्पल लें, तो वहाँ पे हर टर्मिनल पे वहाँ पे सिस्टम्स आपको रिक्वायर्ड है, हर टर्मिनल पे पॉइंट ऑफ सेल आपको रिक्वायर्ड है, यू नीड पॉइंट ऑफ सेल एट एवरी सिंगल टर्मिनल। तीसरी प्रोसेसिंग की किस्म है ऑनलाइन। ऑनलाइन में और रियल टाइम में सिर्फ ये फ़र्क है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग की बैकबोन इंटरनेट होती है। इंटरनेट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑनलाइन प्रोसेसिंग, जहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो एक सेंट्रल कंप्यूटर के अंडर ऑपरेट कर रहा होता है बट एट अ डिफरेंट लोकेशन। होगी ना वो डिफरेंट होगी बेसिकली, तो आपका जो सिस्टम है वो कहीं और पड़ा हुआ है और आपका जो उसके अंदर वो जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो कहीं और है, तो लोकेशन जो है वो आपकी यहाँ पे फ़र्क हो जाती है। जैसे आपकी एटीएम मशीन ऑपरेट करती है, एटीएम मशीन जो है दैट इज़ लोकेटेड समवेयर एल्स, और जो उसका डेटा जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कहीं और हो रही है। ठीक है, एंड दैट इज़ रियल टाइम एज वेल। एज सुन एज यू ड्रॉ सम कैश, एज सुन एज यू एग्जीक्यूट अ ट्रांजेक्शन, तो इमीजिएटली आपका जो डेटा है वो अपडेट कर देता है इमीजिएटली वो आपके बैकएंड पे। या इसी तरह फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बुकिंग होती है, लेट से यू यू आर बुकिंग अ फ्लाइट ऑनलाइन, तो उसके अंदर भी ये चीज़ आ जाती है कि एज सुन एज यू रिजर्व द सीट वो उसी वक्त इमीडिएटली वो फाइल को अपडेट कर देता है। ऑनलाइन में, ऑनलाइन के अंदर जो प्राइम जो जो डिफरेंस है इसका, वो ये है कि इसके अंदर आपका जो मेन आपका वो जो सिस्टम है वो डिफरेंट लोकेशन पे ऑपरेट कर रहा होता है, बट दैट इज नॉट द ओनली डिफरेंस, सिस्टम इज ऑपरेटिंग एट अ डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, एंड इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क तो वो फिर ऑफलाइन शो कर देता है, दैट्स वेरी सिंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ योर एटीएम मशीन इज नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क तो इट विल डिस्प्ले द मैसेज कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो ऑफलाइन शो करता है। या इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, फॉर एग्जाम्पल आपका वाईफाई का कनेक्शन अगर लूज हो गया तो ब्राउजर विल गिव एन ऑफलाइन मैसेज, ना ब्राउजर आपका ऑफलाइन मैसेज शो कर देता है। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स थ्रू विच आपका डेटा जो है वो प्रोसेस होता है। बैचेस में हो जाता है, रियल टाइम हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है, डिपेंड करता है। अगेन हर एक के अपने अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कुछ कॉन्स भी हैं। प्योरली डिपेंड्स दैट हाउ दैट डेटा इज गोइंग टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है, वो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो कैसे होगी। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो इसके डिफरेंसेस, यू कैन रिफर टू देम, डिफरेंसेस को आप इसके अंदर देख सकते हैं, या इसके अंदर आपके लिए जो इसके ये जो की पॉइंट्स हैं दे कैन बी गिवन सम इम्पोर्टेंस। ठीक है, जिसके जिसके की डिफरेंसेस हैं, ठीक है।
Is everybody with me? Sorry, really sorry for interruption. Okay, great. Okay, so यहाँ पे हमारी जो debate है वो over हो जाती है information और information processing की. और यहाँ से हमारी अब discussion start होती है and that would from here we take up with the information systems, the key information systems. अच्छा, एक तो बात नोट कर लें, कहीं लिख लें, बांध लें कि ये 10 के 10 जो सिस्टम्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें से 6 जो हैं वो तो ऑलरेडी इवेलुएट हो चुके हैं, तो उसमें से अभी जो 4 हैं वो अभी नहीं हुए. ठीक है ना, द 6 हैव ऑलरेडी बीन टेस्टेड, 4 है स्टिल. और इसमें से अगर आप ये देख लें, इसको ये लिस्ट है और इसके अंदर इफ यू कैन लुक एट इट, तो टीपीएस हैज नॉट येट बीन टेस्टेड, एमआईएस, डीएसएस वंस, ईआईएस वंस, ईएस ट्वाइस, ऑर्डर प्रोसेसिंग ट्वाइस, इंटीग्रेटेड ट्वाइस, पर्सनल वंस, यू सी, ईआरपी नेवर. तो टीपीएस, एमआईएस, देन एफआरएस एंड देन ईआरपी, ये नहीं हुए, दे हैव नेवर बीन टेस्टेड येट. ठीक है, ये अभी तक नहीं हुआ. इसके अलावा बाकी जो 6 हैं उसमें से 3 ट्वाइस और 3 जो हैं वो वंस. बट ये दिस इज फॉर श्योर के वन इज मैंडेटरी, एक तो मस्ट है, ये तो कंफर्म है कि एक जो है वो मस्ट है. सो यू हैव टू फोकस ऑन इट अकॉर्डिंग. ठीक है, आपने इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर फोकस करना है. अच्छा, टीपीएस जो है जो ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करता है, इसके अंदर टीपीएस आपके लिए क्या करता है बेसिकली, अगेन जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि देर आर सम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि लोअर लेवल पे होते हैं, सम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट यूज करती है, सम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज करती है. टीपीएस जो है दैट परफॉर्म्स रिकॉर्ड एंड प्रोसेस रूटीन ट्रांजेक्शंस, ये रूटीन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, आप इसमें प्रोसेस करते हैं. ठीक है, दिस इज अ सिस्टम व्हिच हेल्प यू टू प्रोसेस रूटीन ट्रांजेक्शन. ठीक है, और इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डेली बेसिस पे डेटा की एंट्री और डेटा को अपडेट करती हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर इंफॉर्मेशन जो है वो आप प्रोसेस करते हैं. ठीक है, वैसे तो टीपीएस हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो टीपीएस डिस्कस किया जा रहा है वो दो है मेन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टीपीएस एंड एचआर टीपीएस. अच्छा, हर टीपीएस के कुछ फंक्शंस हैं और उसके कुछ मॉड्यूल्स होते हैं. एवरी टीपीएस हैज सम फंक्शन एंड सम मॉड्यूल्स. ठीक है, तो टीपीएस जो है ना इसके अंदर दो किस्म के हैं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग और एचआर. फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टीपीएस एंड एचआर टीपीएस. अच्छा, हर टीपीएस के कुछ की फंक्शंस हैं और उसके कुछ मॉड्यूल्स हैं. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ सकता है आपको कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टीपीएस के फंक्शन और उसके मॉड्यूल्स को एक्सप्लेन करें या उस पर डिबेट करें या उसके ऊपर कमेंट करें व्हाटसोएवर. और आपकी अटेम्प्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिएगा. फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीपीएस के? बजटिंग में हेल्प करते हैं, नॉमिनल लेजर से आप अटेंड करते हैं, नॉमिनल लेजर में आपके सारे जो अकाउंट्स होते हैं, इनवॉइसिंग करते हैं, बिलिंग करते हैं, फिर इससे आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, रॉ मटेरियल कितना परचेज किया कब, यानी ये डेली बेसिस की रूटीन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है. बेसिकली टीपीएस का पर्पज ये होता है कि ये आपकी रूटीन ट्रांजेक्शंस को हैंडल करता है. इसके वेरियस मॉड्यूल, मॉड्यूल कहते हैं एक मेन प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स को. मॉड्यूल्स क्या करते हैं? अलाइक ट्रांजेक्शंस को टैकल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अकाउंट्स पेएबल एक मॉड्यूल है. अब आपके लेट सपोज 10 कस्टमर्स हैं जिनको आप ऑन क्रेडिट बेच रहे हैं सामान, तो अकाउंट्स पेएबल का जो मॉड्यूल है सारी ट्रांजेक्शंस वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे आप यू आर सेलिंग ऑन क्रेडिट, सॉरी दैट वुड बी अकाउंट रिसीवेबल. लेट सपोज आपके 4 सप्लायर्स हैं जिनसे आप ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं, तो फिर आप अकाउंट पेएबल का मॉड्यूल अपडेट करेंगे ऑब्वियसली,
अकाउंट पेबल मीन्स वट एवर यू आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल मीन्स वट एवर यू आर सेलिंग ऑन क्रेडिट। ट्रेजरी मैनेजमेंट में कैश फ्लोज आ जाते हैं, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, बजटिंग आ जाती है सारी की सारी, आपको बजट्स बनाते हैं। बेसिकली सारे इसके मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स, एक मॉड्यूल क्या करता है, सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करता है। वन मॉड्यूल इज यूज टू प्रोसेस अ लाइक एंड सिमिलर ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स का TPS है। अच्छा, HR TPS के फंक्शंस क्या है, पर्सनल के रिकॉर्ड्स रखता है, मैनेज करता है, आपकी जितनी ह्यूमन रिसोर्स है आप उन सब के रिकॉर्ड्स को इसमें डालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, हर एम्प्लॉय का एड्रेस क्या है, नाम क्या है उसका, उसकी सारी डिटेल जो है वो इसके अंदर आ जाती है। फिर इसमें आप उसके सारे बेनिफिट्स ऐड करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स डालते हैं, किस एम्प्लॉय की कितनी एंटाइटलमेंट है, कितना किसके आपने किसको कितना एंटाइटल किया है। फिर आप सारे एम्प्लॉयज़ की इसमें सैलरीज डालते हैं। फिर आप इसमें लेबर रिलेशंस मीन्स के इनकी जो प्रमोशन है, जो इनकी डेवलपमेंट है वो कैसे होनी है। फिर आप ट्रेनिंग के रिकॉर्ड सारे इसमें रखते हैं। तो HR TPS जो है वो ये सारा डेटा अपने अंदर रख रहा होता है। और इसके लिए भी फिर हमारे पास वेरियस मॉड्यूल्स होते हैं। लाइक पेरोल का जो मॉड्यूल है ये सिर्फ सैलरीज कैलकुलेट करेगा, एम्प्लॉय रिकॉर्ड का जो मॉड्यूल है ये सिर्फ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट का जो मॉड्यूल है ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स को, एंटाइटलमेंट को रिकॉर्ड करेगा और मेंटेन करेगा। इसी तरह करियर पाथ सिस्टम है, अप्रेजल जिसे कहते हैं, अप्रेज करने का मतलब होता है इवेलुएट करना। तो करियर पाथ सिस्टम जो है वो एम्प्लॉय की अप्रेजल के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। जी, तो TPS का प्राइम पर्पज़ होता है रूटीन ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करना। वो ट्रांजेक्शन, चाहे हमने ये बात कल भी की थी कि ट्रांजेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मॉनिटरी ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, ट्रांजेक्शन मीन्स एनी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और एनी एक्सचेंज ऑफ डेटा, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन होती है, कोई भी डेटा एक्सचेंज हो, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, तो ये ट्रांजेक्शन ही कहलाएगी। ट्रांजेक्शन नॉट ओनली मीन्स कि आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसकी बात होगी, ठीक है। ट्रांजेक्शन मीन्स कि किसी भी लेवल पे अगर आप डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं तो दैट वुड बी योर ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज MIS। MIS इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है MS Excel। MS Excel क्या करता है, स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करता है इनपुट डेटा को इन द पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, नंबर्स, वर्ड्स, उसे प्रोसेस करता है और यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देता है। आप एक्सेल में नंबर डालें, एक्सेल उसके बैक एंड पे सारे फॉर्मूलाज को रन करता है और आपको इंफॉर्मेशन निकाल के दे देता है। MIS का पर्पज होता है स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, रिपोर्ट करता है एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस के ऊपर, मीन्स डेटा डालेंगे तो उसके ऊपर रिपोर्टिंग करेगा ना, एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस पे रिपोर्टिंग करता है। MIS के अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटी बहुत कम होती है, खुद से ये मतलब दिस इज़ वेरी इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि इसमें आप अपनी मर्जी की रिपोर्ट्स अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें इन बिल्ट फीचर्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ MIS। MS Excel जो है ये MIS की अच्छी एग्जाम्पल है। इंटरनल फोकस्ड होता है, सिर्फ इदारे के डेटा पे फोकस होता है, रेगुलर रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है, जैसे फिर आप आगे ऑनलाइन ईमेल के थ्रू वाइड रेंज ऑफ यूजर्स तक पहुंचा सकते हैं। बड़े कंपैटिबल फॉर्मेट्स की रिपोर्ट्स होती हैं, PDF की फॉर एग्जांपल। विल इनकॉर्पोरेट बोथ करंट एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल और करंट दोनों किस्म की इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करता है, दोनों किस्म की इंफॉर्मेशन हैंडलिंग करता है। जी, तो MIS जो है दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम एंड अ सोल्यूशन जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ वन ऑफ NMIS और जेनेरिक होता है। MIS जो है किसी भी डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो सकता है। MIS कैन बी यूज इन एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट करता है, डाइजेस्ट करता है इनपुटेड डेटा को, डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन पीसीज को, फैक्ट्स, नंबर्स, वर्ड्स को। MIS को आप थोड़ा सा मेच्योर कर लें तो DSS बन जाता है। DSS कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को। इसके बैक एंड पे मैथमेटिकल प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं, सेट ऑफ रिलेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा रिक्वायर्ड टू असिस्ट विद एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक इदारे के अंदर DSS मिडल मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। मैनेजर्स कैन मेक सम गुड डिसीजंस बेस्ड ऑन DSS। DSS जो है ये MIS की रिजिड नेचर को ओवरकम कर लेता है। DSS के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टैक्टिकल लेवल का सिस्टम है, दिस इज अ टैक्टिकल लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इंटेलिजेंट गैसेस के थ्रू डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जैसे फोरकास्टिंग फॉर एग्जांपल। इसमें फोरकास्ट बड़े काम है, DSS के थ्रू आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इसके बैक एंड पे फॉर्मूलाज और इक्वेशंस काम कर रही होती हैं,
जिसके थ्रू मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है और फ्रंट एंड पे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होती है। मैनेजर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं थ्रू थ्रू क्वेरीज एंड थ्रू मॉडलिंग। क्वेरीज कहते हैं वेरिएबल्स को इनपुट करना, स्टेटमेंट्स देना। ये क्वेरीज और ये वेरिएबल्स मैनेजर्स इनपुट करते हैं थ्रू अ यूजर इंटरफेस, जिसे हम GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी आपके सामने एक स्क्रीन होती है, उसमें आप वेरिएबल्स और क्वेरीज डालते हैं। बैकएंड पे उसके एक नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रेटर काम कर रहा होता है, जो कि फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करता है, और मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं, डेटा मैनेजमेंट और मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फिर उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को प्रोसेस करके आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। DSS की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, जैसे एक्सेल के मैक्रोज होते हैं। ये लिखा है स्प्रेडशीट पैकेजेस कैन बिकम द टूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ DSS। स्प्रेडशीट पैकेज से यहाँ मुराद एक्सेल ही है बेसिकली। MS Excel भी एक स्प्रेडशीट पैकेज है ना। तो स्प्रेडशीट पैकेजेस के अंदर क्या करते हैं फिर आप उसमें, जैसे एक्सेल में, एक्सेल को अगर आप गौर से एक्सप्लोर करें, एक्सेल इज अ वेरी डिटेल्ड सॉफ्टवेयर। एक्सेल में बहुत सारे डिटेलिंग होती है, एक्सेल में बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो एक्सेल जो है इसको आप यूज कर लेते हैं डिटेलिंग के लिए। एक्सेल में जैसे मैक्रोज होते हैं, एक्सेल में आप अपनी मर्जी के मॉड्यूल्स बना सकते हैं, अपनी मर्जी के मैक्रोज बना सकते हैं। एक्सेल अलाउ यू टू बिल्ड इन यू टू बिल्ड योर ओन मॉड्यूल्स एंड योर ओन मैक्रोज। एक्सेल के थ्रू आप अपने मैक्रोज खुद बना सकते हैं। तो स्प्रेडशीट पैकेजेस जो हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप अपनी मर्जी के मैथमेटिकल यू नो फार्मूलाज और मैथमेटिकल मॉडल्स खुद से जनरेट या खुद से डेवलप कर सकें। तो यू कैन डेवलप योर ओन मैथमेटिकल मॉडल्स एंड ओन मैथमेटिकल यू नो टूल्स एंड टेक्निक्स, इसके अंदर आप खुद से भी कर सकते हैं। तो DSS का प्राइम पर्पस जो है वो, अगेन DSS और MIS दोनों स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं। दोनों के अंदर की जो है वो स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग होती है, लेकिन एक फर्क ये है कि MIS की नेचर रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है। MIS जेनेरिक है, DSS फोकस्ड है, DSS कस्टमाइज है। DSS के अंदर जो यूज़र होता है वो अपनी मर्जी से उसमें डेवलप कर लेता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग बना लेता है, ठीक है। और दोनों का पर्पज अगेन यही है, डिसीजन मेकिंग को हेल्प करना। इसके बरक्स EIS एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सिस्टम है सीनियर मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बड़ा एक्सपेंसिव डेवलप होता है। ये सीनियर मैनेजमेंट यूज़ करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। इसका फोकस इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। हमने पढ़ा ऊपर MIS का, MIS इंटरनल फोकस्ड होता है, EIS इंटरनल फोकस भी होता है और एक्सटर्नल फोकस भी होता है। इट टेंड्स टू बी मोर फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मतलब हिस्टोरिकल डेटा की बजाय फ्यूचर फोरकास्टिंग ज़्यादा करता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है। EIS के अंदर एक एग्जेक्टिव समरी स्टाइल डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड से क्या मुराद है, मतलब आपके सामने पूरी स्क्रीन आ रही है, उस स्क्रीन में डिफरेंट पोर्शंस बने हुए। एक पोर्शन में कुछ ग्राफ्स आ रहे हैं, एक पोर्शन के अंदर कुछ चार्ट्स आ रहे हैं, एक पोर्शन में कुछ यू नो नरेशन आ रही है। इसे डैशबोर्ड कहते हैं, यानी हर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आपके पास एक स्क्रीन पे मौजूद है। आप किसी डिपार्टमेंट पे क्लिक कर लें, वहाँ से आप फर्दर डिग डाउन कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, आप फर्दर ड्रिल डाउन कर सकते हैं वेरियस कॉम्पोनेंट्स को। मतलब जिस तरह आपने जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखी है ना, जिसमें दिखाते हैं बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन के ऊपर यू नो डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, वो क्लिक करके पॉइंट एंड क्लिक से वो किसी भी इंफॉर्मेशन को फर्दर यू नो उसे एक्सपैंड कर लेता है। कहीं CCTV कैमराज की फुटेज आ रही है, कहीं पे कोई चार्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह मतलब इस तरह से कहते हैं एग्जेक्टिव स्टाइल डैशबोर्ड, इसे कहते हैं एग्जेक्टिव समरी स्टाइल डैशबोर्ड। ये एक डैशबोर्ड की तरह होता है और उस डैशबोर्ड के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होती है। आप उस इन्फॉर्मेशन को ड्रिल डाउन कर सकते हैं, वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ डैशबोर्ड को आप यूज़ करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को। मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड। इसी ये क्वेश्चन आया था पेपर में 7 नंबर का, करेक्टरिस्टिक्स बताएं EIS की। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स तो इन पैराग्राफ में मौजूद हैं, कुछ ये नीचे मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये भी इसका करेक्टरिस्टिक है, इंटरनल एक्सटर्नल डेटा यूज़ करता है, सीनियर एग्जेक्टिव को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये भी इसका करेक्टरिस्टिक्स है। वालेकुम अस्सलाम नवीद। फिर ये ग्राफिकल डिस्प्ले के थ्रू, सिंपल यूजर इंटरफेस के थ्रू हाई लेवल एग्जेक्टिव समरी प्रेजेंट करता है, सीनियर मैनेजर्स को हेल्प करता है अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग के अंदर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बैकएंड पे कोई 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 फॉर्मूलाज नहीं होते,
ईआईएस के पीछे सिर्फ समराइज इंफॉर्मेशन दिया होता है, डिसीजन मैनेजमेंट का सारा अपना खुद होता है। डीएसएस और एमआईएस तो आपको डिसीजन करके देते हैं ना, वो तो आपको इंटेलिजेंट गैसेस लगा के देते हैं। ईआईएस डिसीजन करके नहीं देता, सिर्फ सपोर्ट करता है अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग को। इट ओनली समराइजेस द डेटा फॉर द मैनेजमेंट, ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए डेटा को समराइज कर देता है, दैट्स इट। टेंड्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव इन रियल टाइम, बहुत महंगा होता है और रियल टाइम होता है। रियल टाइम से मुराद है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिखा रहा होता है। ऑफन लिमिटेड इन यूज टू अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ सीनियर मैनेजर्स, बहुत महदूद नंबर ऑफ सीनियर मैनेजर्स इसकी एक्सेस को एक्वायर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती है। तो पूरे इदारे की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है आपको, लाइक ईआईएस जो है ये पूरे इदारे की इंफॉर्मेशन जो है वो दिखा रहा होता है। बेटा क्लास तो रोज स्केड्यूल्ड होती है और एक ही टाइम पे होती है, वो ग्रुप पे तो एट टाइम्स जब कभी ग्रुप पे कोई मैसेज का थ्रेड चल रहा हो तो मैं उसके जवाब में फिर बता देता होता हूँ कि आज का टॉपिक ये होगा, क्लास होगी, वरना अंडरस्टूड है। 1:40, 1:45 ये रोज का टाइम है क्लास का, तो ये शुड बी ऑनलाइन बाय दिस टाइम, ठीक है ना। वी हैव अ क्लास डेली, ना होनी हो तो मैं अनाउंस करता। अगर ग्रुप पे क्लास कैंसिल होने की अनाउंसमेंट नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि क्लास हमारी टाइम पे हो। ओके, तो इन केस मैं टॉपिक अनाउंस करूँ ग्रुप पे या ना करूँ, इट इज़ परसीव्ड कि हमारी क्लास होगी। और टाइम, यस यू आर वेरी, मतलब बंदा बार दफा मसरूफ होता है और याद भी नहीं रहता ऑब्वियसली। और यस मैं कभी कभी अनाउंस कर देता हूँ, लेकिन वो भी उस केस में कि जब मोबाइल मेरे हाथ में है, ग्रुप पे थ्रेड चल रहा है कोई मैसेज का, तो मैं उसके जवाब में फिर लिख दिया करता हूँ क्योंकि फाइन आज क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक। बट यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि यू हैव टू बी ऑनलाइन एट 1:40, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपने 1:40 पे ऑनलाइन हो जाना है। ओके ओके जी, तो ये हमने चौथा सिस्टम डिस्कस किया। आपकी जस्ट फॉर योर सेक मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, हमने अभी आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डिस्कस करना शुरू किया हुआ है, जिसमें अभी तक हम चार सिस्टम्स कवर कर चुके हैं। पहला टीपीएस है, टीपीएस आपके लिए रूटीन ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है। टीपीएस दो किस्म के होते हैं, वैसे तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना टीपीएस अलग अलग होता है, लेकिन आपकी किताब में दो टीपीएस डिस्कस किए जा रहे हैं। पहला है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग टीपीएस और दूसरा है एचआर टीपीएस। हर टीपीएस के अंदर उसके कुछ फंक्शन है, उसके कुछ मॉड्यूल्स हैं। ईच टीपीएस हैज सम फंक्शंस एंड सम मॉड्यूल्स। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टीपीएस के फंक्शंस क्या होते हैं, बजटिंग में हेल्प करते हैं, नॉमिनल लेजर मेंटेन करते हैं, इनवॉइसिंग करते हैं, बिलिंग करते हैं, और ये इसके मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स कहते हैं एक सब सिस्टम को, एक पोर्शन ऑफ अ मेन सिस्टम को, जिसके अंदर सारे के सारे अलाइक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स पेएबल है, अब अकाउंट्स पेएबल के अंदर जितने भी आपकी क्रेडिट सेल्स की ट्रांजेक्शन या क्रेडिट परचेज की ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी इसमें रिकॉर्ड होंगी। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल्स में सारी आपकी क्रेडिट सेल्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। इसी तरह एचआर टीपीएस के फंक्शंस क्या हैं, पर्सनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, बेनिफिट है, सैलरीज हैं। और इसके मॉड्यूल्स क्या हैं, इसमें एम्प्लॉई रिकॉर्ड का अलग मॉड्यूल है, पेरोल सैलरीज कैलकुलेट करता है, एम्प्लॉई बेनिफिट्स या एम्प्लॉई एंटाइटलमेंट का अलग मॉड्यूल है, एम्प्लॉई की हेल्थ इंश्योरेंस कितनी है, एम्प्लॉई के अदर बेनिफिट्स कितने हैं, करियर पाथ का अलग मॉड्यूल है। MIS जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, MIS एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाला टूल है, जो कि इनपुट लेता है डेटा, फैक्ट्स और फिगर्स और नंबर्स की बेस पे, उन्हें प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। MIS की एक एडवांस्ड फॉर्म है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। DSS क्या करता है, प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करता है, इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। DSS MIS की इनफ्लेक्सिबल नेचर को ओवरकम करता है बेसिकली। फिर हमने डिस्कस किया है EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, सीनियर मैनेजमेंट को एक डैशबोर्ड स्टाइल की शक्ल में पूरे इदारे में जो कुछ हो रहा है उसकी समरी प्रेजेंट करता है। देखें एग्जीक्यूटिव समरी स्टाइल डैशबोर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जीक्यूटिव समरी स्टाइल डैशबोर्ड, यानी एक डैशबोर्ड। डैशबोर्ड से मुराद ये है कि एक स्क्रीन पर सब कुछ आपके सामने आ रहा है, एक स्क्रीन पे सब कुछ आपके सामने आ रहा है, और वहीं पे सारे डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में किस क्या क्या काम चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल होती है और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम, ह्यूमन जजमेंट और बिहेवियर को सिमुलेट करता है, ह्यूमन जजमेंट और बिहेवियर्स को सिमुलेट करता है। सिमुलेट का मतलब हमने पढ़ा था, सिमुलेशन याद,
द फर्स्ट चैप्टर वी डिस्कस सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है एक उस तरह से बिहेव करना। तो ये ह्यूमन जजमेंट और बिहेवियर्स को सिमुलेट करता है। एक मूवी है इंग्लिश, देखी है आपने, सली? सली देखी? हैज एनीवन वॉच दिस मूवी? किसी ने नहीं देखी? वेरी बैड, जरूर देखें। एक अमेरिकन एयरलाइन की एक फ्लाइट थी जो क्रैश लैंड हुई थी हडसन हडसन रिवर के ऊपर, उसके ऊपर है। देखी भी है? माजिद ने देखी भी है? चलें गुड। अनीसा आपने देखी भी है? आई होप आपने तो खैर देखी होनी चाहिए। अनीसा ने मैंने देखी? वेरी स्ट्रेंज, ओके। खैर, इट्स अ वंडरफुल मूवी। दैट्स अ प्रॉब्लम। चलिए, खैर उसमें ये दिखाया हुआ है कि किस तरह वो क्रैश लैंड करता है जहाज को दरिया में, और फिर वो उसके ऊपर केस चलता है कि जी उसने वापस एयरपोर्ट, बेसिकली वो क्रैश लैंडिंग इसलिए होती है कि बर्ड स्ट्राइक हो जाती है। अभी जहाज टेक ऑफ करता है तो उसके इंजन में एक पूरा बर्ड्स का कॉल आके स्ट्राइक करता है, दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। तो उसके बाद दो ऑप्शन तो होती हैं, या तो वो रिस्क ले ले जहाज को वापस मोड़ने का एयरपोर्ट की तरफ, या फिर वो जहाज को क्रैश लैंड कर, वो जहाज क्रैश लैंड करता है पानी के अंदर, और ये दुनिया की अब तक की वाहिद क्रैश लैंडिंग है जिसमें एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई थी। इसमें मूवी बनी है फिर बाकायदा उस पायलट को। खैर, फिर उस पर केस चलता है पायलट पे कि तुमने जहाज़ वापस क्यों नहीं मोड़ा। फिर वो सिमुलेशंस दिखाते हैं कि अगर जहाज़ वापस मोड़ता तो क्रैश लैंडिंग कहाँ होती, जहाज़ नहीं मोड़ा, तो वो सारी। फिर तो एक्सपर्ट सिस्टम जो है ये ह्यूमन बिहेवियर्स को सिमुलेट करते हैं, दे सिमुलेट ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है ना, उनकी एक्सपर्ट नॉलेज और उनकी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। एक्सपर्ट सिस्टम की के बैकएंड पे पूरा डेटाबेस होता है जिसमें सारा एक्सपीरियंस आप एक्यूमुलेट कर देते हैं, और आप उस सिस्टम, जैसे आपकी गेम्स होती हैं, आप जैसे ये चेस खेलते हैं कंप्यूटर के साथ, तो अब वो सिमुलेशन ही हो रही होती है ना। अब वो जो ओपोनेंट जो कंप्यूटर खेल रहा है आपके साथ, आप डिफिकल्टी लेवल अपनी मर्जी का सेट करते हैं ना, हार्ड डिफिकल्टी या इजी डिफिकल्टी, अब उसके अकॉर्डिंगली वो उसको सिमुलेट कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो खेलेगा आपके साथ कंप्यूटर, ये भी सिमुलेशन होती है। अब उसके अंदर वो चेस खेलने के सारे रूल्स जो हैं वो सिस्टम को बता दिया आपने, उसके डेटाबेस के अंदर वो सारे के सारे रूल्स मौजूद हैं कि ये कैसे गेम खेली जानी है, और उन्हीं रूल्स पर अप्लाई करते हुए वो फिर प्रोग्राम जो है वो आपके साथ फिर गेम खेलता है। इसी जैसे लीगल डायग्नोस्टिक्स में लॉयर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप कोई मेडिकल डायग्नोस्टिक वेबसाइट पर जाएं, वहाँ आप अपने सिम्टम्स लिखें और वो आपको बता देगा कि आपको क्या मेडिकल एलिमेंट हो सकती है, या आपको इसके अंदर क्या मेडिसिन खानी चाहिए। ये सारे के सारे एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम्स की कुछ, अच्छा इस पे दो सवाल आ चुके हैं एक्सपर्ट सिस्टम पे, एक इस पे सवाल आया था इसकी प्री कंडीशंस के ऊपर, और एक इस पे सवाल आया था इसके एडवांटेजेस के ऊपर। इससे दो अलग अलग क्वेश्चन आ चुके हैं, एक इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सपर्ट सिस्टम की प्री कंडीशंस क्या होती हैं, और एक इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सपर्ट सिस्टम के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इससे हम फवायद क्या हासिल करते हैं, वट आर द बेनिफिट्स वी एक्वायर फ्रॉम एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, थर्सडे को आपका फर्स्ट चैप्टर के, सॉरी 11th चैप्टर के पेज नंबर 245 तक का टेस्ट है, ये डेट नोट कर रहे हैं। थर्सडे को 11th चैप्टर, एक तो हमने इसका पोर्शन मिड टर्म में ऐड किया था, वो टेस्ट में भी आएगा दोबारा, इट विल अगेन बी इंक्लूडेड इन द टेस्ट, ठीक है, तो टेस्ट में दोबारा आपका आएगा। और जो हमने नया पोर्शन पढ़ा है अभी तक, तो पेज 245 तक थर्सडे को आपका टेस्ट स्केड्यूल्ड है फ्रॉम द 11th चैप्टर, ओके। सो प्रिपेयर फिर हम इसका एक अगला टेस्ट करेंगे इन 10 के 10 सिस्टम्स के ऊपर, ये 10 के 10 सिस्टम्स के ऊपर आपका अगला टेस्ट हो जाएगा। इस तरह 11 चैप्टर की थोड़ी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। चलें, कल हम कंटिन्यू करेंगे एक्सपर्ट सिस्टम से। कल होपफुली हम पीछे कितने रह गए, कल हम एक्सपर्ट सिस्टम, FRS, ऑर्डर, हाँ कल हम पर्सोनल तक कवर कर लेंगे। थर्सडे को आपका टेस्ट हो जाएगा, और थर्सडे को ही हम इंशाल्लाह आखिरी दो सिस्टम्स को रिव्यू करके, तो हम इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे पास्ट पेपर डिस्कशन के साथ। फ्राइडे इज गोइंग टू बी द कंक्लूसिव डे फॉर दिस चैप्टर, और इसके बाद हम जंप करेंगे फिर 6th चैप्टर बिहेवियर के ऊपर, ओके। तो वी विल जंप ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर। तो ये साथ साथ रिकॉर्ड भी, मतलब ये नोट भी करते रहा करें जो जो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको भी, आप हेड्स अप हों आप भी कि आगे हमें क्या करना है, आगे हमें कहाँ मूव करना है।
चलो मैं सी यू इंशाल्लाह टुमारो, ठीक है बेटा? कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे हम अवेलेबल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।